रूमा रेल हादसा लाइव वेहिकल एचबी कोच की वजह से बच गया बड़ा ट्रेन हादसा। दिल्ली हावड़ा रूट पर रूमा के पास शुक्रवार देर रात हुए रेल हादसे के दौरान पूर्वा एक्सप्रेस के क्षतिग्रस्त कोच में फंसे यात्रियों को निकालते राहत व बचाव दल के लोग। दिल्ली हावड़ा रूट पर रूमा के पास शुक्रवार देर रात हुए रेल हादसे के दौरान पूर्वा एक्सप्रेस के क्षतिग्रस्त कोच। दिल्ली हावड़ा रूट पर रूमा स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात करीब 12:50 बजे हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्व एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन के पेंट्री कार समेत 10 कोच बेपटरी हो गए। इनमें 5 कोच रेलवे ट्रैक से 20 से 25 फीट दूर तक जा गिरे। इतना ही नहीं, कई मीटर तक रेल पटरी उखड़ गई और बड़ा गड्ढा हो गया। इस भीषण हादसे में 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन एचएचबी कोच होने की वजह से बड़ी अनहोनी बच गई। यही कारण है कि हादसे में किसी के मरने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद करीब 1 दर्जन ट्रेनों एवं के रूट परिवर्तित कर दिए गए हैं। प्रयागराज से घटना स्थल पर पहुंचे डीआरएम। हादसे को लेकर रेलवे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही करीब 4 बजे के आसपास प्रयागराज से डीआरएम अमिताभ कुमार घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। उनके साथ मौके पर पहुंचे जांच दल ने बताया कि हादसे के दौरान किसी भी कोच की लाइट नहीं बंद हुई, इस वजह से कोई भगदड़ नहीं मच पाई। यही कारण था कि हादसा बड़ा होने के बावजूद कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। यात्रियों को दिल्ली भेजने के लिए विशेष ट्रेन का इंतजाम। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे कानपुर के डीएम विश्वास पंत ने बताया कि राहत बचाव कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक जनहानि की कोई खबर नहीं है। यात्रियों को कानपुर सेंट्रल भेजने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। मालूमी रूप से घायल यात्रियों को उपचार के बाद कानपुर सेंट्रल के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां प्लेटफार्म नंबर 1 से उन्हें विशेष ट्रेन से नई दिल्ली भेजा जा रहा है। रूमा स्टेशन पार होते ही दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेन। हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्व एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 12:49 पर रूमा स्टेशन पार हुई और 1 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के दौरान पायलट रमन सिंह और को पायलट फूल सिंह कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया। देखते ही देखते चीख पुकार और कोहराम मच गया। हादसे के समय ट्रेन की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर बताई जा रही है। ट्रेन हादसे में कोई जनहानि नहीं। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन का इंजन आधी ट्रेन के साथ करीब 1 किलोमीटर आगे पहुंच गया, जबकि आधी ट्रेन के डिब्बे पीछे ही रह गए। बीच में कई मीटर पटरी उखड़ गई और बड़ा गड्ढा हो गया। हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों को जहां का तहां खड़ा कर दिया गया। अपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद 2:27 बजे रिलीफ ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंची। भगवान का शुक्रवार यह रहा कि राहत और बचाव दल को कोई जनहानि नहीं मिली और न ही कोई यात्री गायब मिला। हालांकि क्षतिग्रस्त कोचों के 100 यात्री घायल जरूर मिले। देर रात तक 25 घायल पहुंच चुके अस्पताल। देर रात तक बचाव का कार्य चलता रहा। कोच में सीढ़ी लगाकर बचाव दल घुसा और तलाश करते रहे कि कोई यात्री तो डिब्बे में नहीं फंसा तो है। इसके बाद यात्रियों का सामान निकालकर उनके सुपुर्द किया। इधर करीब 25 से अधिक घायलों को कांचीराम और हेलट में भर्ती कराया गया। भोर तक घायलों को हेलट लाने का सिलसिला एम्बुलेंस से चलता रहा। राहत कार्य में जुटे रेल अफसरों और इंजीनियरों ने दावा किया कि LBH कोच होने के चलते बड़ा हादसा टल गया। अगर साधारण कोच होता तो इस तरह के हादसे में बड़ी जनहानि होती। क्या होता है LBH कोच, आप भी जाने। रेल यात्रा सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेलवे लिंक के हुपान बुशेल बी डिजाइन कोच का उपयोग करने और पुराने ICF डिजाइन कोच के उत्पादन को रोकने का फैसला किया है। LHB डिजाइन कोच वजन में हल्का है। इतना ही नहीं, LHB कोच के पास बेहतर ढुलाई के साथ साथ हाई स्पीड क्षमता भी है। भारतीय रेलवे का कहना है कि इन सुविधाओं के अलावा LHB डिजाइन कोच ने बेहतर सुरक्षा सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। LHB कोच में एंटी क्लाइंबिंग जैसी विशेषताएं होती हैं, ताकि टकराव की स्थिति में कोच एक दूसरे पर न चढ़ सके। अब सिर्फ बनाए जाएंगे LBH कोच। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने LHB कोच के साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के पारंपरिक ICF डिजाइन कोच को चरणबद्ध तरीके से बदलने का फैसला किया है। साथ ही यह निर्णय लिया गया था कि अप्रैल 2018 से उत्पादन इकाइयों द्वारा सिर्फ LHB कोच बनाए जाएंगे। भारतीय रेलवे का कहना है कि दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं।
जैसे कि ट्रैक।